सेंधवा एकलव्य आदर्श आवासीय बालक छात्रावास के बच्चों द्वारा शिकायत के बाद विधायक की खरी खरी। कहा, जानवर भी इससे अच्छी जगह रहते होंगे, जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति है बच्चों की। एकलव्य छात्रावास के बच्चों ने आज विभिन्न तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक ग्यारसीलाल रावत को शिकायत की, तो विधायक खुद छात्रावास पहुंचे तो वहां कई तरह की अव्यवस्थाएं वहां पर मिली। वहीं दो बच्चे बीमार पाए गए जिन्हें तत्काल विधायक द्वारा अस्पताल भेजा गया। बच्चों के रहने के हालात को देखते हुए विधायक ने कहा कि जानवर भी इससे अच्छी हालत में रहते होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो ड्रेस मिली है वो ठेला गाड़ी पर मिलने वाले कपड़ों के समान है। छात्रावास की अव्यवस्थाओं से नाराज विधायक ने कहा कि लापरवाही में किसी की बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वह मेरा पिता हो, मेरा भाई हो, मेरा चाचा हो, क्योंकि यह बच्चों का भविष्य है और जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वह किसी का सगा नहीं। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक ग्यारसीलाल रावत ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बच्चों ने आवेदन दिया था एक लोगे वालों ने कि हमारे जो हॉस्टल में और स्कूल में जो समस्या है, समस्या के संबंध में हम लोग यहाँ पर आज में चेकिंग करने के लिए आए। यहाँ आकर के देखा कि स्थिति क्या है, जानवर भी कम से कम अच्छी जगह पर रहते होंगे, जानवरों से ज़्यादा मतलब बदतर स्थिति है बच्चों की। बच्चे दो बीमार वहाँ पर लेटे हुए थे, उनको हॉस्पिटल तक नहीं भेजने के उनको, वो अब देखा तो उनको दोनों को हॉस्पिटल भेजने के लिए व्यवस्था करी गई। और जब खाद्यान्न का बारे में पूरी जानकारी ली तो उनकी जानकारी ये स्थिति है कि बताना भी मतलब अच्छी बात नहीं इस प्रकार का है। और उनको वहाँ के यहाँ जो प्रिंसिपल HM है उसको ये खुद को मालूम नहीं है कि यहाँ पर कितने बच्चे कितने हाई परसेंट के कितने हैं और लो परसेंट कितने, ये भी उनको मालूम नहीं है। तो इनको खुद को ये जानकारी नहीं है और ये क्या मतलब बच्चों के मतलब भविष्य बनाएंगे, ये मैं हाईकमान को मतलब इसके कंप्लेंट करता हूँ। मुख्यमंत्री को ये हालत है कि वो जो ठेले गाड़ी पे बिकते हैं किलो गिनती, वो ड्रेसें ला के दे रखी है इन लोगों को, किसको छोटा है किसको क्या है, बस जबरदस्ती पहना रखे। बहुत से को लड़कों को बताया, उन्होंने उनसे जानकारी ली तो कम से कम बच्चों को ड्रेसें भी नहीं मिली उनको, बहुत से बच्चों को ड्रेसें पूर्ण रूप से मिली नहीं। वो बता रहे कि वो अगले साल देंगे और इसी साल ही मिले, 3 साल में पहली बार मिल रही है वो ड्रेस। बिल्कुल 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 लापरवाही में तो मैं कभी किसी को बगस्ता नहीं हो, चाहे मेरे पिता हो, मेरा भाई हो, मेरा चाचा कोई भी हो, किसी को बगस्ता नहीं हो, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य है। बच्चों के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ करेगा वो किसी के साथ में मतलब सगा नहीं हो सकता, इसलिए उनको हम लोग बिल्कुल सख्ती से उनके कार्रवाई करेंगे।